देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से लॉकडाउन के जितने भी टाइमिंग्स रहे हैं, जितने भी गाइडलाइंस रहे हैं, उनका बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ताउन करके, पुलिस के साथ ताउन करके, और उसका पूरी अमलबंदी हो रही है। आज से आप सबको पता है कि लॉकडाउन से पहले क्या सिचुएशन थी, और लॉकडाउन के बाद जो सरकार ने हमारी ने कदम उठाए हैं हॉस्पिटल से लेके और सभी, उसमें कोरोना में केसेस में कमी आई है। उसका एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आवाम की जो ताऊ मिल रही है, आवाम को जो, और जैसे जैसे आप देखिए कि केसेस में कमी आ रही है तो सरकार ने भी उसको कंसीडर करके, हमारी तेलंगाना सरकार ने कंसीडर करके अब और छूट दे दी है। तो हम सबका ये फ़र्ज बनता है, पब्लिक का और हम सबका ये फ़र्ज बनता है कि जो भी उसके नियम आ रहे हैं, जो भी उसकी गाइडलाइंस आ रही हैं, उसका पूरा तरीके से अमल किया जाए। उसमें ज़रा सी भी प्लीज़ आप कंसेशन लेने की कोई कोशिश ना करें। 6 बजे तक का टाइम बहुत होता है, 5 बजे सब इस्टेब्लिशमेंट क्लोज होने के बाद, पहले आपको बताया कि 1 बजे तक था, अब एकदम से 4 घंटे की ढूंढ दी गई है। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले जितनी अच्छी तरीके से पुराने शहर की खासतौर से जो आवाम है, जो जनता है, वो हमारे साथ कोऑपरेट करते आई है, हमको पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में भी उससे ज़्यादा अच्छा कोऑपरेशन को मिलेगा। आप लोग देखिए यहाँ बारिश हो रहा है, हमारे जवान, हमारे लेडी कॉन्स्टेबल और जेंट्स कॉन्स्टेबल सब लोग बेचारे बारिश में खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं। तो उसका एक मकसद यही है कि आप सब लोग सलामत रहें, किसी की जान को, माल को, और ख़ासतौर से किसी की हेल्थ को, किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, वही मकसद लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी उसी तरीके से ताउन की उम्मीद। सर, एक क्वेश्चन था, ये जो क्राइम रेट साउथ जोन में स्पेशली बहुत बढ़ जा रहा, जो मर्डर एंड सरेंडर पॉलिसी चल रही, मर्डर कर रहे, सरेंडर कर रहे, तो ये लोग को 3 महीने के अंदर बेल क्यों मिल रही? सर, 3 महीने के अंदर बेल नहीं मिली तो ये लोग के ऊपर क्राइम के ऊपर काबू किया जा सकता? देखिए, ऐसा है, ये सब्जेक्ट ऑलरेडी सीपी साहब के ऊपर डील किया जा चुका है, बताया जा चुका है, और ऐसा नहीं है कि क्राइम कर रहे सरेंडर। अगर आप पूरा वो देखिए, एक दो क्राइम ऐसा नहीं है कि एक दो क्राइम हुए हैं, लेकिन हर क्राइम पर सख्ती के साथ कार्रवाई होती है, और सिर्फ सरेंडर हो जाने से वो केस ख़त्म नहीं हो जाता है, उसके जो एविडेंस कलेक्ट करके एक मजबूत केस बना के कन्विक्शन लाए जैसा हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। और इस बात पर भी सीपी साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, डीसी साहब को एक चर्चा हुई, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस खासतौर से इस पर ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें सभी इंस्पेक्टर्स को ये खास हिदायत दी गई हैं।